राजस्थान में कोरोना अपडेट 24 घंटे में सामने आए 6103 नए संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान और मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत जारी है। शनिवार को 62,893 लोगों की जांच में कुल 6103 कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। संक्रमण दर की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव लगातार कम हो रहा है। एक दिन में जहां 15,464 मरीज संक्रमण से रिकवर हुए, वहीं एक्टिव केस घटकर 122,330 रह गए। हालांकि मौतों की संख्या में कोई बड़ी कमी दर्ज नहीं हुई है। एक दिन में 115 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 14 जिले ऐसे भी हैं जहां पर नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही। अन्य जिलों की बात करें तो जयपुर के अलावा किसी भी जिले में नए मरीजों की संख्या 500 पार नहीं हुई है। कोरोना के जयपुर में 1900, अलवर में 401, उदयपुर में 380, कोटा में 325, जोधपुर में 323, जैसलमेर में 260, सीकर में 252, झुंझुनू में 173, श्रीगंगानगर में 171, बाड़मेर में 167, हनुमानगढ़ में 156, अजमेर में 155, पाली में 123, भरतपुर 121, बीकानेर 113, चूरू में 112, चित्तौड़गढ़ 101, राजसमंद 101, नागौर में 101, भीलवाड़ा में 93, टोंक में 73, दौसा में 65, डूंगरपुर में 70, झालावाड़ में 55, बांसावाड़ में 51, प्रतापगढ़ में 51, सिरोही में 47, बूंदी में 41, बारा में 40, सवाईमाधोपुर में 35, करौली में 32, धौलपुर में 22, जालौर में नए 9 मरीज मिले हैं। वहीं अगर 27 जिलों में मौतों की बात करें तो जयपुर में 21, जोधपुर में 11, उदयपुर में 8, अलवर में 7, बीकानेर में 7, डूंगरपुर में 7, पाली में 7, हनुमानगढ़ में 6, जैसलपुर और भरतपुर में 5, सीकर में 4, अजमेर, चूरू, चित्तौड़गढ़ में 3, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, नागौर, झुंझुनू में 2, झुंझुनू में 1, करौली में 1, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, राजसमंद में 1 और टोंक में 1 मरीज की मौत दर्ज की गई है।